यूपीएससी 2024 की प्रीलिम्स परीक्षा पोस्टपोन के बाद अब खबर आ रही है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा रद्द हो चुकी है। ऐसा क्यों किया गया है? अब बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी? आइए जानते हैं इन सभी बातें आज की वीडियो में। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी द्वारा ली जा रही शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके पीछे की कारण की बात करें तो दरअसल 15 मार्च को बीपीएससी ने शिक्षक भर्ती परीक्षा यानी कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा ली थी, जिसके बाद इस परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आए थे, जिसको देखते हुए बिहार पुलिस ने इस पर तुरंत जांच शुरू कर दी थी और परीक्षा में हुए पेपर लीक समेत चैटिंग कराने वाले गिरोह को लेकर लगातार उन्होंने नए खुलासे किए। पुलिस का कहना है कि परीक्षा के पहले ही सेटर गैंग द्वारा पेपर को आउट करा दिया गया था और कई परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के साथ उत्तर भी प्रोवाइड कराए गए थे। पेपर लीक में एक बड़े गैंग का हाथ सामने आया है। सेटिंग कराने वाले गैंग ने परीक्षार्थियों से 10-10 रुपए तक लिए थे। बिहार पुलिस की टीम ने इस परिक्रमण में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया था। इसी सब चीजों को देखते हुए बीपीएससी ने इस परीक्षा को रद्द कराने का निर्णय लिया गया है। इसके बारे में बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें 15 मार्च को आयोजित दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द करा दिया गया है। 15 मार्च को आयोजित इस परीक्षा में काफी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, तो निश्चित रूप से काफी अभ्यर्थियों को मायूसी भी हाथ लगी है और बहुत से अभ्यर्थी 21 मार्च को आंदोलन करने के लिए पटना भी पहुंच रहे हैं। परीक्षा की नई तिथियों की बात करें तो उसके बारे में अभी तक आयोग ने यही कहा है कि वो जल्द ही जारी की जाएंगी। अब देखना ये होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 की परीक्षा की नई तारीखें कब तक आती है। तो दोस्तों, यदि हमारी आज की वीडियो, आई होप हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके में कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।